दोस्तों नमस्कार। जांजगीर और चांपा के बीच स्थित इस रेलवे फाटक में काफ़ी जाम की स्थिति बनी रहती थी। यहाँ पर एक साथ 4-5 ट्रेनों को निकाला जाता था, इसलिए लोगों को यहाँ घंटों इंतज़ार करना पड़ता था और काफ़ी परेशानी होती थी। 10 वर्षों के लंबे इंतज़ार के बाद अब रेलवे ओवर ब्रिज पूरी तरह बनकर तैयार है और यह 2-4 दिनों में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आज दिनांक 1/7/2023 को छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम में इसका लोकार्पण किया जा रहा है। अब लोगों को इस ओवरब्रिज के चालू हो जाने से काफ़ी राहत मिलेगी। इसको बनने में करीब 10 वर्ष लगे हैं। इस पुल की लंबाई 1187 मीटर है और इसमें करीब करीब 30 करोड़ की लागत आई है। इस पुल के बन जाने से लोगों में काफ़ी हर्ष है। इस पुल के निर्माण में हमारे जनप्रतिनिधियों माननीय चरणदास जी महंत एवं माननीय नारायण चंदेल जी ने काफ़ी प्रयास किए हैं। SDO PWD सेतु आर के वर्मा ने कहा है, थोड़ा सड़क का साफ सफाई के बाद 2-4 दिनों में यह आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस पुल के आसपास काफ़ी सुंदर नज़ारा है। पुल के समीप ही श्री श्याम प्रेम मंदिर स्थित है, जो कि काफ़ी भव्य बना हुआ है। जब भी यहां से गुजरें, खाटू श्याम जी के दर्शन लाभ अवश्य लें। पुल काफ़ी मजबूत बना हुआ लगता है। खाटू श्याम जी की कृपा से इसका भविष्य गौरवमयी रहे, बस यही दुआ मांगते हैं।